बहुत टाइम बीत गया, न्यू वीडियो नहीं आई। वैसे अगर हम चैनल खोल के देखें तो तुम्हें पता चलेगा सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। बट मैं काफी टाइम से अपने चैनल पे इनएक्टिव हूँ। बहुत टाइम से कोई थ्योरी नहीं आई, बहुत टाइम से कोई लंबी वीडियो नहीं आई, और शायद बहुत टाइम से वीडियोस में वो पुराना वाला आरवीएस नहीं दिख रहा है। वैसे ये चीजें यार होनी चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा ब्रेक पे था। वीडियोस आ रही थी बट एवरेज, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा चैनल डेड हो जाए। तो लॉन्डो, आज से पुराना वाला आरवीएस इज बैक और हम फिर से पहले की तरह इंडियन वन पीस कम्युनिटी में तबाही मचाने वाले हैं पहले की तरह। तो यार, जैसे कि तुम सबने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर कि आखिर उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। और हाँ, आज हम रेवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। रेवोल्यूशनरी आर्मी जिसका लीडर है मंकी डी ड्रैगन, जो कि फादर है हमारे इस सीरीज के एमसी का। मैं मेन कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वरना असली एमसी तो ये है। हाँ, तो यार जैसे कि मैं कह रहा था, मंकी डी ड्रैगन जिसके सर में ताज पहना के रखा है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, वर्स्ट क्रिमिनल इन दी वर्ल्ड का, प्लस ये बेटा है हीरो ऑफ द मरीन मंकी डी गार्फ का। अब यार देखो, जब भी बात आती है ड्रैगन के पावर को लेके, नो डाउट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और रही बात हाकी की, तो मेरे हिसाब से इसके पास तीनों टाइप ऑफ हाकी है। भले ही अभी तक हमें इसको यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है, बट जिस हिसाब से चीजें हमें बहुत बार दिखाई गई है, ये जब भी दिखा है, जब पहली बार ये लॉकडाउन आर्क में दिखा था तो वहाँ पर मौसम किस तरह से खराब था तुम देख सकते हो। प्लस इसके बाद हमें जब भी ड्रैगन देखने को मिला है, उसके अगल बगल ऐसा लगता है कि हवाएं चल रही है। तो यार ये काफी सारी चीजें ये इशारा करती हैं कि ये एक डेविल फ्रूट यूजर भी हो सकता है, और हो सकता है इसका डेविल फ्रूट किसी विंड पे बेस्ड हो या फिर किसी वेदर वाले पावर को रखता हो। अब जिसका जैसा मानना, ये बस एक अजम्पशन है, बहुत ज़्यादा थ्योरीज बनी हुई है, बट ड्रैगन स्ट्रांग है ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, और तीनों टाइप ऑफ हाकी जरूर आती होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग आकर के एक चीज़ जरूर बोलेंगे, अगर ड्रैगन सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर जब ब्लैकबियर्ड पायरेट्स ने इनके अड्डे पे हमला कर दिया था तो उसने फाइट अवॉइड क्यों किया, वो वहां से भागा क्यों? देखो यार, पहली बात, ड्रैगन बेवकूफ नहीं है। उसका मेन दुश्मन कौन है? उसका दुश्मन है वर्ल्ड गवर्नमेंट। रेवोल्यूशनरी आर्मी वर्ल्ड गवर्नमेंट से दुश्मनी रखती है, वो भी डायरेक्टली, ना कि किसी योंको से। वो ये बात जानता है, अगर वो किसी योंको से फाइट करेगा दोनों का नुकसान है। और ड्रैगन दूर की सोचता है, बहुत दूर की। तो अगर वो योंको के साथ फाइट करे, नुकसान काफी ज्यादा होगा, भले ही दोनों में से कोई भी जीते। और लास्ट में क्या होगा मालूम? हो सकता है इस फाइट के बीच में वर्ल्ड गवर्नमेंट के जासूस ये पता कर ले कि उनका अड्डा कहाँ पर है, और फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट वहाँ पर बस्टर कॉल भेज देती है, ऐसा कुछ ना कुछ चुतियाप हो जाता, जिस वजह से ड्रैगन ने उस फाइट को अवॉइड करना सबसे सही समझा और उन्होंने अपना जो अड्डा है वो चेंज करके इस वाले जगह पे बना दिया। इसके बाद अगर हम पूरे टीम की बात करें, इसके टीम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर भी हैं, जैसे कि सैबो एंड कुमा। अब कुमा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तुम ये वाला सीन देख लो, तुमको पता चल जाएगा। बट फिलहाल के टाइम पे कुमा के साथ अलग ही सीन चल रहा है, उसको पता नहीं क्या ही नशा दे दिया है, उसको सेलेस्टियल ड्रैगन की चमचागिरी करने में ज्यादा खुशी है, उसका दिमाग आधा फ्यूज हो चुका है, अलग ही चल रहे हैं उसके साथ, जो कि शायद हमें फ्यूचर में रिवील होकर के दिखा दिया जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं सैबो पे। पहले बात करते हैं सैबो के पावर को लेकर, ये कॉन्करर हाकी यूजर है कि नहीं पता नहीं, बट आर्मामेंट एंड ऑब्जर्वेशन हाकी ये इसके पास है। प्लस जिस हिसाब से अपने हाथों में ये आर्मामेंट हाकी को कोटिंग करके ड्रैगन क्लॉ यूज करता है, हो सकता है ये कोई खास तरह की फाइटिंग टेक्निक हो जो हमें आगे सीरीज में अच्छे से बताया जाएगा। खैर, सैबो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, प्लस ये एक डेविल फ्रूट यूजर भी है, ये एक लुगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर बन जाता है, प्लस ये एस की पावर को यूज कर सकता है। साथ ही साथ ये जब डेविल फ्रूट यूजर नहीं था, तब से ये रेवोल्यूशनरी आर्मी में ड्रैगन का राइट हैंड मैन था। तो तुम इससे अंदाजा लगा लो, जब ये डेविल फ्रूट यूजर नहीं था तब वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था, तो अब ये डेविल फ्रूट यूजर है तो ये कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। प्लस जब इसने पहली बार, बस फर्स्ट टाइम डेविल फ्रूट खा करके एक एडमिरल से फाइट किया, उसके बाद जाके
एक योंको के कमांडर से फाइट किया, तो तुम अंदाजा लगा लो यार ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसका हमें अभी तक ट्रू पावर दिखाया गया नहीं है, बस झलके दिखाई गई है। फ्यूचर में हमें इसका और भी ज्यादा पावर देखने को मिलेगा, बस ये जिंदा बचे रहे। अब देखो इसके अलावा रेवोल्यूशनरी आर्मी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें से अगर मैं एक एक को बताने रह गया, एक एक के पावर को लेकर के बताने रह गया तो बहुत ज्यादा लफड़ा होगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इस वजह से हम सीधे जो है मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अब तुम सबको याद होगा जब रेवरी वाला कांड हुआ था, वहां पर खत्म हुआ था, तो पेपर में कोई न्यूज छपा था जहां पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि सैबो का जान खतरे में है, कोई मरा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ है हमें इस बात का नहीं पता। प्लस जब वो पेपर ड्रैगन ने देखा था तो उसके भी तोते उड़ गए थे भाई ड्रैगन जैसा कैरेक्टर का। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म होता है, उस न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखा हुआ था जिस वजह से ड्रैगन का तक सर घूम गया। हो सकता है सैबो को लेकर के कुछ हो, सैबो पकड़ा गया हो, कुछ ना कुछ पक्का हुआ हो। अब पहले हम लोग बात करते हैं सैबो अगर पकड़ा जाता है तो क्या होगा। देखो अगर सैबो पकड़ा जाता है, जिसके मेरे हिसाब से चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर सैबो पकड़ा जाता है तो उसको भी पब्लिक एग्जीक्यूशन दिया जाएगा, और जिस तरह से अकाइनो जैसा कमीना कैरेक्टर है वो तो चाहेगा यार उसको मारना पब्लिकली। अब देखो अगर ये पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है तो ये कहीं ना कहीं यार बहुत ज्यादा इशारा करेगा मरीनफोर्ड 2 की तरफ। और अगर मरीनफोर्ड 2 होता है, पिछले बार क्या हुआ था, एक योंको ने हमला किया था, ये याद रखना। अब क्या होगा, ड्रैगन भी हमला करेगा, पहले ये याद रखना कि ड्रैगन हमला करेगा, साथ ही साथ भाई एक और योंको लेवल कैरेक्टर हमला करेगा। मैं बात करूं स्ट्रॉ हैट पायरेट की, लूफी काइडो को हराए ना हराए जो भी कराए, पर वानो आर्क के बाद ये चीज होगा। और लूफी को अगर पता चलेगा कि सैबो का जान खतरे में, भाई लूफी तो सब काम धंधा छोड़ के पहले मरीनफोर्ड पे अटैक करेगा सैबो की जान बचाने के लिए। और हम सबको मालूम है लूफी उस वक्त एक योंको बन चुका होगा, तो ऑब्वियसली यार एक और रेवोल्यूशनरी आर्मी, तो दूसरी ओर खुद लूफी अपने क्रू के साथ अटैक करेगा। और लूफी अगर हमला करता है तो साथ में उसका ग्रैंड फ्लीट भी आएगा, तो यहाँ पर तुम अंदाजा लगा लो भाई बहुत घमासान लड़ाई होने वाला है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सैबो को ओडा जो है जान से नहीं मारेगा, बिकॉज एक ही चीज को दो बार रिपीट करना मजा नहीं आएगा यार। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, क्या हो सैबो का जान खतरा में ना हो बल्कि कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से ड्रैगन टेंशन में है। हो सकता है सैबो किसी को मार दिया होगा, हो सकता है सैबो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा, लेकिन एक चीज मैं कहूँ भाई, पेपर छापा कौन है, मॉर्गन साला, वो तो सस्ता नशा करके छापता है, मतलब वो बड़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा छापता है, जैसे लूफी को फिफ्थ योंको बनाना वो कुछ भी छाप देता है। तो यार मॉर्गन ने जब छापा है ना, आधा सच भी हो सकता है आधा झूठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जिस हिसाब से उसको मारने के लिए एजेंट भेजा गया था, उसको ये पेपर में न्यूज छापने से मना किया गया था, ये चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। लेकिन यार जो कुछ भी हो, मैं एक चीज कह सकता हूँ, ड्रैगन उन बेवकूफों में से नहीं है कि दिमाग में कुछ भी बिना सोचे डायरेक्ट हमला कर दे, वो पहले उस बारे में पता करेगा, और यही चीज होगा। अगर सैबो को कुछ हुआ है उस चीज का वो पता लगाएगा, जासूसी करेगा, सब चीज कन्फर्म करेगा, और अगर लास्ट में पता चलता है कि सैबो को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है तो वो जरूर हमला करेगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। और अगर उसको जेल में रखा जाएगा तो सैबो को वो जरूर छुड़ाने का भी कोशिश करेगा। भाई ड्रैगन ना चालाक बंदा है, वो दिमाग में पहले सोचता है कि सामने वाला क्या कर सकता है, तो इस वजह से यार ज्यादा सिचुएशन यही बनता है कि आगे रेवोल्यूशनरी आर्मी का नेक्स्ट मूव ये हो सकता है, वो इस चीज का जांच पड़ताल करेगा कि सैबो सेफ है या नहीं, कुमा को क्या हुआ, इन सब चीजों को लेकर के डिटेल में वो छानबीन करेगा, और उसके बाद आगे का वो नेक्स्ट मूव जो कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक और सवाल उठता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है। देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट का अभी सीन क्या चल रहा है, वो वानों में ज्यादा परेशान है, वो पांच बुड्ढे भी वानों की ओर नजर गड़ा के रखे हैं, तुमको याद होगा, खासकर जो हितो इतोनोमी मॉडल नीका जो अभी नया रिवील हुआ है, उधर वो ज्यादा परेशान है। प्लस जिस हिसाब से भाई लूफी काइडो को रस्सी बना के कूद रहा है, भाई ज्यादा चांसेस यही बनते हैं CP0 से लेके वर्ल्ड गवर्नमेंट से लेके ईमू से लेके जितने भी ये लोग हैं सबका ध्यान वानों की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हो सकता है हमें जो है रेवोल्यूशनरी आर्मी जो यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए नजर आए, बिकॉज सब तरफ एक टाइम पे ध्यान नहीं दे सकते। अगर तुम यहाँ पे बोलोगे मरीन तो है ना, भाई मरीन अभी परेशान है वॉरलॉर्ड्स के पीछे, प्लस ब्लैक बियर्ड भी कोई चीज लेने का बात कर रहा था, सब अपने अपने परेशान है, तो
यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है ना एक चीज़ को वो हैंडल नहीं कर सकती, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस यही बनते हैं कि ड्रैगन अपने प्लान्स में कामयाब हो जाएगा। तो यही था आज का मेरा वीडियो। अब तुम लोग का क्या मानना जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार दो यार, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। प्लस तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, कुछ भी सवाल है डाउट है बात करना, मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ। साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम सबसे पहले यार वीडियो को देख पाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।